देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं और इन बीते 76 सालों में भारत की जनता ने 18 बार देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। आज हमने कुछ ऐसे बुज़ुर्गों से जानने की कोशिश करी जिनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, कि उनके प्रिय प्रधानमंत्री कौन है या कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनको सबसे बेहतर लगा। मेरा नाम अनिल कुमार कोहली है। मेरी उम्र 80 साल की है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। और आगे आपके, अभी आप 80 साल के हो चुके हैं, तो अभी तक आप क्या लगता है कौन से प्रधानमंत्री आपके प्रिय रहे? देखिए, ये है क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, उनके अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर देखा जाए तो जो नए भारत की नींव है वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी, और क्योंकि उस वक़्त मैं एक्टिव था, बहुत एक्टिव था, और उस वक़्त भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बन रहा था, अभी शुरू हुआ था, तो जितने बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो उत्पत्ति हुई है वो सारा जो कंसेप्ट था जवाहरलाल नेहरू जी का, चाहे भाखड़ा एंगल डैम है, चाहे BHEL है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जितनी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, सब उनकी जो है सोच थी और उनकी जो प्लानिंग थी। तो मेरे हिसाब से अगर जवाहरलाल जी नहीं होते तो आज शायद हम दुनिया में जो हमारी आज पोजीशन है उससे बहुत दूर होते। स्कूल जाते थे तो नंगे पैर जाया करते थे, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ ये सब कांग्रेस के राज में हुआ। और एक समय ऐसा हुआ कि जब मेरी 5 कॉलें आई थी नेशनल सीड कॉरपोरेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, और भी मुझे याद नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, फटाफट आ जाया करती थी, लोग चले जाया करते थे। मेरे बाद मेरी शादी हो गई, शादी के दौरान मेरे 5 बच्चे हो गए 1975 तक। अब 5 बच्चे होने के, उस समय जनसंख्या थी जब मैं बचपन था 33 करोड़, और जब मैं 1975 में आया तो 5 बच्चे मेरे हो गए थे फैमिली में। ये इंदिरा जी की मेहरबानी रही है कि उन्होंने स्टरलाइजेशन का प्रोविज़न रखा। काश अगर मुझे गवर्नमेंट नौकर था, मैं मुझे स्ट्रेस किया गया कि भाई आप, बिकॉज आई वॉज़ नॉट डेवलप्ड एट दैट मोमेंट, मुझे स्ट्रेस किया गया कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप जल्दी से अपना वो करा लीजिए और लाइए सर्टिफिकेट दिखाइए तो आप ड्यूटी पे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मैंने अपनी मिसेज का स्टरलाइजेशन करा दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, नौकरी पे आ गया। मगर मैं आज सोचता हूँ काश अगर मैंने ना कराए होते तो मेरे 10 बच्चे होते, और क्या मैं उन 10 बच्चों का पालन पोषण कर सकता। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मेरी उम्र इस वक्त 80 साल से ऊपर है। मैं जब मेरे ज़िंदगी में, जो आप पूछना चाहते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा रहा मेरी ज़िंदगी के अंदर, और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, सबसे अच्छा नंबर 1 रहा लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों, आपको उनकी ऐसा है जो देखो, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा आदमी था जिसको कोई लालच नहीं था, बड़ा साफ सुथरा आदमी था, और उसने बड़ा अच्छा देश को चलाया। अगर जीतता रहता तो देश पता नहीं कहाँ होता। नंबर 2 दूसरे नंबर पे मिला है मोदी, इसने और कुछ नहीं तो पब्लिक के हित में काम किया है, देश के हित में काम किया है। इसने कुछ अपनी खुद गर्दी के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश हित और पब्लिक हित में काम किया।